इसमें हम लोग कुछ में हैं और आप देख रहे हैं इसमें इस पूरे क्षेत्र में मैं तो लगातार बता रहा हूँ कि एक तारीख से लगातार भारी स्नो पॉलिश कारवा वैली के अंदर हुआ है। और कल देर रात्रि हम 3 बजे आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे मित्र दीपक रावत जी इस ट्रैक में चल रहे थे, हमारे पालिंग के हमारे दिनेश बंजाल जी जिनके घर में हम लोग रहे और जो हमारे वीडियो रिकॉर्डिंग में रहे थे रवि गुप्ताल जी, हम लोग कल 11 बजे भारी बर्फबारी में 17-18 घंटे लगातार बर्फ में चलते हुए कल रात सुबह तड़के 3 बजे 3 या 3:30 बजे के आसपास हम लोग उज्जैन में पहुँचे। यह हमारे एक बहुत बड़ा संघर्ष का विषय रहा साथियों, जहाँ पे पूरी रोड के अंदर पूरी सड़क में और पूरे दर्रों में कम से कम 5-5 मीटर वो 5 फुट से ऊपर बर्फ़ की मोटी चादर बिछी थी और हम संघर्ष को करते हुए हमने अपने लक्ष्य को ठाना कि हमने उज्जैन पहुँचना है। और मित्रों ऊपर वाले की कृपा से, धर्मा के सभी इष्ट देव की कृपा से, पंचाचुर की कृपा से, महादेव की कृपा से हम लोग सकुशल और पूरी सुरक्षित तरीके से हम लोग रात उज्जैन में पहुँचे और जैसे तैसे हम लोग उज्जैन कल रात काटी। और दीपक जी से कहना चाहता हूँ कि मुझे अनुभव दर्शकों को बताना चाहे कि बहुत ज़बरदस्त ट्रैक था जिसमें पूरी दिनेश जी ने पूरी आधी आधी कमर तक का मैं बताना चाहूँगा, उन्होंने पूरी आधी आधी कमर तक बर्फ़ के अंदर घुस के बेलचे से अंदर बर्फ़ को काटा है। वैसे रवि ने काटा, फिर हम एक दूसरे के पीछे चलते रहे। आप विश्वास नहीं करेंगे कि जो मैं आपका दिखा रहा हूँ कि तेरे यहाँ यहाँ तक का बर्फ़ थी। और दीपक जी तो थोड़े बेचारे और छोटे और छोटे और बेचारे इस बर्फ़ के अंदर हो गए। कितनी बार तो ये स्थिति आई कि हम लोग बर्फ़ के अंदर पैक हो गए और फिर ऐसे करके खाना पड़ा, एक दूसरे को सहायता करनी पड़ी तब निकले। और रात के तड़के के मैं बताऊंगा आपको कि हम 1 या 1.5 बजे के बीच हम लोग वो जो आपका जो रवि कौन सा ग्लेशियर था जिसमें हम लोग यूसुफ ग्लेशियर जो सबसे जबरदस्त ग्लेशियर था, हम उस यूसुफ ग्लेशियर से हम रात को हमारे पास हेडलाइट की भी हमारी टॉर्चर की रोशनी बहुत कम हो गई थी और हमने उसको बड़ी तरीके से और बड़ी सुरक्षित ढंग से हम लोग ग्लेशियर को पार करके आए। अब मैं चाहूँगा कि हमारे मित्र दीपक जी संक्षिप्त में कुछ भाई देखिए, स्नो ट्रैक तो हमने काफ़ी किए हैं, साकिल राम ने भी काफ़ी साथ में स्नो ट्रैक किए हैं, लेकिन ये जो ट्रैक था ये सही महीनों में जो है ये बहुत एक्सक्लूसिव ट्रैक था। और मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा अपने रवि भाई और अपने दिनेश भाई का कि जिनके बगैर हम लोग ये ट्रैक नहीं कर पाते, इस ट्रैक को नहीं कर पाते। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, हमने इससे बहुत सारी चीज़ें सीखी भी कि अगली बार से हम इस ट्रैक को करेंगे तो कैसे हमारे और क्या हमें अपने साधन हमें साथ रखने चाहिए। क्योंकि लगातार इस पूरी हिमालय घाटी के अंदर लगातार जो है बर्फ़ के तूफान चलते रहे, पूरे हिमालय में हम लगातार बर्फ के तूफान में रहे 4-5 दिन से। और सौभाग्य का विषय था ऊपर वाली कृपा से हम सुरक्षित उज्जैन पहुँच गए हैं और अब ऊपर वाली कृपा से हम बिल्कुल हम यही कहना चाहते हैं कि भैया दारमा वैली से अब हम सब सर गए थे, सब सर ऊपर जा रहे हैं। बोलो दारमा वैली की जय, पंचाचुली की जय, धन्यवाद। थोड़ा सा मैं कहूँगा रवि को थोड़ा सा पीछे के दिखा दें, जबरदस्त बर्फ के ढके हुए हैं। काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है और हमारे लिए काफ़ी मुश्किल भी था जो हमने सकुशल इस ट्रैक को सफल किया। और कल रात 3:30 बजे हम उर्थिंग में रुके थे, अब हम उर्थिंग से अपनी घर की ओर जा रहे हैं। देखिए इस हिमालय क्षेत्र में काफ़ी 3-4 दिनों से हिमपात हो रही थी जो आज दिनांक 5/1/2020 को ये मौसम खुल रखा है। तो साथियों इस दारमा वैली की